तो दोस्तों आ चुके हैं वापस हम वही अपनी डीपी रोड पे। क्विकली क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आज लेंगे, कुछ क्वेश्चन आने वाले एक दो वीडियोस में ले लेंगे, तो वो आपको पता ही, अपन लोग क्वेश्चन सारे कवर करने की कोशिश करते हैं। तो विद दैट पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जो दीप नदेरिया की तरफ से है। बोलते हैं कि आप करियर में ब्लॉकचेन के लिए बोलते हैं, बट इंडिया में जो खुद सारी कंपनीज हैं वो FTX और ये सब में इन्वेस्टेड है, तो क्या ब्लॉकचेन सेफ है एज अ करियर? 100% एज अ करियर सेफ है। एक्सचेंजेस क्या कर रहे हैं शुड नॉट टेल यू कि ब्लॉकचेन में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लॉकचेन में प्राइवेट ब्लॉकचेन भी आ जाता है, बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉकचेन में काम करते हैं। सो इट मेक्स मोर सेंस कि आप ब्लॉकचेन को करियर चूज करें, ना कि जो आपको पॉपुलर कंपनी सिर्फ दिखती हैं। बहुत सारी चीज़ें अंडर द हुड हो रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी आउट नहीं है, बहुत सारी टीम्स चीज़ों पर काम कर रही हैं, दे मेक फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग करियर अपॉर्चुनिटी ब्लॉकचेन साइड से। नेक्स्ट दीपांशु पूछते हैं, भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्डानो में कभी डैप्स आएंगी भी या नहीं? मेरा तो फेथ चला गया है कार्डानो से। तो कार्डानो का इकोसिस्टम अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है। इट इज़ द सेम कि अगर आप 2 साल पहले बात करते कि पॉलीगॉन कहाँ पे है, ये वो वाला एंगल, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट होगा होपफुली, राइट? अभी बेयर मार्केट सर्वाइव करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जहाँ तक फेथ की बात है, मैंने पहले भी बोला है, एक चीज़ से प्यार में मत पड़ो, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी रिस्की अगर आप सिर्फ एक चीज़ से प्यार करते हो। तो जस्ट अवॉइड सिर्फ एक ही चीज़ का एक्सपोजर, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रहना बेटर होगा इस केस में, स्पेशली जब ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो थोड़ा सेफ खेलना है अपने को। राजुल साहिब पूछते हैं, हेलो ब्रो, शुड आई वेट फॉर 10 to 12K फॉर माई लास्ट इन्वेस्टमेंट? अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर आपको कोई दे नहीं सकता, ये आंसर आपको खुद ही अपने लिए ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो आएगा या नहीं आएगा ये भी पता नहीं है अभी। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर आप रह जाओगे। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे चीज़ों को डिवाइड करते हो, कैसे चीज़ों को स्ट्रक्चर करते हो, सो दैट यू कैन टेक पार्ट इन ऑल ऑफ दिस। तो डीमन गेमिंग पूछते हैं कि भाई सोलाना कभी रिकवर करेगा भी या नहीं, या ख़त्म हो गया पूरा का पूरा? तो ये बात मैंने पहले भी शेयर की है दोस्तों कि सोलाना जो है FTX के दम पे काफ़ी सारी चीज़ें अचीव किया है। सोलाना का खुद का इकोसिस्टम थोड़ा वीक है अभी, पर फ्रॉम मार्केटिंग साइड, फ्रॉम जो वो चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, हैकाथॉन साइड, डेवलपर्स को ऑनबोर्ड करने साइड, वो लोग काम अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा, आप थोड़ा सा वेट करो, देखो सोलाना कैसे यहाँ पे प्रोग्रेस करता है, नहीं करता है। बट ये चीज़ मैंने बताया, उनकी टीम को ना 10-15 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर उनको आसपास भी आना है उस पोटेंशियल के, जो पोटेंशियल बोला जा रहा था कि सोलाना ला सकता है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट सोलाना के लिए, सोलाना की टीम के लिए चीज़ों को बिल्ड कर पाना, बट देन पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती ही रहती है, राइट? ऑलराइटी, नेक्स्ट वन लेते हैं, हाउ टू मेक मनी इन दिस बेरिश मार्केट एंड अदर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेडर्स? अरीब उद्दीन पूछते हैं ये बात। बेरिश मार्केट में सी, मैं बहुत पहले से बोलता आया हूँ, क्रिप्टो मार्केट में बेस्ट पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी अगर आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं। बेयर मार्केट आया नहीं आया, वो वाला एंगल, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके पास सैलरी तो रहती रहती है, पेमेंट तो रहती रहती है। सो इट इज़ गोइंग टू बी दैट ऑलमोस्ट एवरग्रीन मेथड या एवरग्रीन पोटेंशियल अगर आप ब्लॉकचेन को एंड क्रिप्टो मार्केट को करियर साइड से लेते हैं तो। सो ट्राई फॉर दैट। एंड आप बोल रहे हो ट्रेडर हो, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेडर्स, अनफॉर्चुनेटली यार इसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है इस फील्ड के बारे में, इन टर्म्स ऑफ की वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ट्रेडर्स के लिए क्या होंगी। यू माइट बी बेटर ऑफ आस्किंग समबडी जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं खुद, राइट? सो या, सो प्रतीक पूछते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बिगिनर्स को भी होगा ये, कि क्रिप्टो कितने स्टोर किए जा सकते हैं एक हार्ड वॉलेट में? इसकी कोई लिमिट होती है क्या कि कितने बिटकॉइन आ जाएंगे एक वॉलेट? द आंसर इज़ अनलिमिटेड। एक सिंगल वॉलेट में जितना मर्जी क्रिप्टो के कॉइन्स आ सकते हैं, पैसे वगैरह का कोई लिमिट नहीं होता। डजेंट मैटर कौन सा वॉलेट है, नैनो एस, नैनो एक्स, ट्रेजर वगैरह वगैरह वगैरह, जितने मर्जी कॉइन्स आ सकते हैं, क्योंकि कॉइन वॉलेट में नहीं स्टोर होते, कॉइन जो है वो स्टोर होते हैं ब्लॉकचेन पे। वॉलेट में उन कॉइन्स को एक्सेस करने की प्राइवेट की स्टोर होती है, और प्राइवेट की का एक्सेस यहाँ पे प्राइवेट की के थ्रू एक्सेस आपको मिलता है। कॉइन्स खुद उस वॉलेट में नहीं होते जैसे कि हम हमारे नॉर्मल वॉलेट में रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी पूछते हैं, बोलते हैं कि डज इट सपोर्ट मल्टीपल क्रिप्टो स्टोरिंग इन वन वॉलेट? 100% येस, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा वॉलेट चूज़ करते हैं। सो अगर आप लेजर के साथ जा रहे हैं, या ट्रस्ट वॉलेट के साथ जा रहे हैं, या मेटामास्क के साथ जा रहे हैं, या ट्रेजर के साथ जा रहे हैं, अलग अलग कॉइन्स अवेलेबल होंगे, अलग अलग चेन्स अवेलेबल होगी। इनका बेस्ट आंसर आपको कहाँ मिलेगा, लेजर की वेबसाइट पर जाएं, नैनो एस का जो पेज है वो पेज खोलें, वो पेज में आपको डिटेल दिया होगा कि नैनो एस ये कॉइन्स को सपोर्ट करता है, नैनो एक्स जो है ये कॉइन्स को सपोर्ट करता है, एंड यू कैन डू वेरी वेल फ्रॉम दैट, लाइक आपको पूरा पता लग जाएगा यहाँ पे। नदीम शाह पूछते हैं कि भाई ओवर ट्रेडिंग करने से खुद को कैसे रोकें?
सो इसमें मेरा सजेशन ऐसा ही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको एक बड़ा लॉस हुआ है उसी कॉइन में एक ही ट्रेड में मेरे को लॉस को कवर करना है, कोशिश मत करें, जिसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, यानी कि मेरा लॉस हो गया ना, मेरे को अभी की अभी प्रॉफिट बनाना है और उसी कॉइन में बनाना है। नहीं, बड़ा लॉस हुआ दो दिन ट्रेड नहीं करना, बहुत सिंपल। अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, फोमो हो रहा है, डजेंट मैटर, इमोशन को बाहर कर दो। क्योंकि देखो जितना भी हम बोल रहे कि इमोशन नहीं लाना है, जब हम बात कर रहे हैं पैसे की और हमारा बड़ा लॉस हो तो इमोशन अपने आप आ जाता है, राइट? सो इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट कि अगर आपका बड़ा लॉस हुआ है आप एक ब्रेक ले लें, एक दिन का ब्रेक ले लें, दो दिन का ब्रेक ले लें, दैट इज़ ऑन यू, बट ब्रेक ले लें सो दैट आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी मिल जाए एंड आप अपने चार्ट को सही से ऑब्जेक्टिवली देखने लगो, दैट इज़ वन। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग को अगर आपको रोकना है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है हमेशा, अगर मेरा सेटअप फॉलो हो रहा है, यानी कि अगर चार्ट मेरे सेटअप पे आ रहा है तो मैं ट्रेड करूँगा, अगर चार्ट मेरे सेटअप तक नहीं आ रहा तो आई विल नॉट एग्जीक्यूट एनी ट्रेड व्हाटसएवर। मतलब मैंने एक सेटअप बनाया, मैंने मेरा एंट्री पॉइंट डिसाइड किया, अगर उस एंट्री पॉइंट पे नहीं आता, चाहे दुनिया में कोई भी कुछ भी उखड़ जाए, मैं एंट्री नहीं लूँगा। इस तरह का थोड़ा सा जो मेथड है स्टार्टिंग में, जब आप एडवांस ट्रेडर हो जाते हो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ता है, बट स्टार्टिंग में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे आप समझोगे कि कंट्रोल कैसे रखना है चीज़ों पे एंड उनके ऊपर काम कैसे करना है। एमडी एडमिरल पूछते हैं कि एक्सचेंजेस में अलग अलग ईमेल से अकाउंट बनाया जाए या सिंगल ईमेल से बनाया जाए। टफ क्वेश्चन है। आई थिंक अगर आप एकदम सेफ रहना चाहते हो तो अलग अलग ईमेल से बनाओ, बिल्कुल ही सेफ। अगर थोड़ा सा कन्वीनियंट रखना चाहते हो तो एक ईमेल से बना लो, पर हर एक्सचेंज में कम से कम आपका टू फैक्टर और गूगल ऑथेंटिकेटर वगैरह आपका ऑन होना चाहिए, यानी कि अगर आपका ईमेल भी हैक हो जाता है तो भी आपके ऑथेंटिकेटर के बिना कोई आपके एक्सचेंज में ना घुस सके। अगर आप बहुत ही सेफ रहना चाहते हो, आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो हार्डवेयर वॉलेट बेस्ट है, एक्सचेंज अकाउंट का तो मतलब ही नहीं बनता। एक्सचेंज आप सिर्फ खरीदने के लिए रखते हो क्रिप्टो को, उसके बाद आपके खुद के वॉलेट में होना चाहिए, बट लेट्स से आप स्टिल यू वांट टू गो फॉर एन एक्सचेंज, देन इट इज़ बेटर कि आप चाहे मान लो आप चार एक्सचेंजेस में अकाउंट है तो दो ईमेल्स रख लो, दो दो ईच कर सकते हो, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हो उस एंगल से, बट अगेन आई थिंक थोड़ा सा ट्रिवियल हो सकता है ये चीज़। तो शुभम शर्मा पूछते हैं कि मैं अगर मान लो एक मेटामास्क डाउनलोड करूँ, मेटामास्क लगाऊँ, उसका सीड फ्रेज मेरे पास सेव कर लूँ, उसमें मेरे इथेरियम डाल दूँ और उसको मेरे डिवाइस से डिलीट कर दूँ तो क्या वो मुझे हैक होने से बचाएगा? 100%। क्यों? क्योंकि आप उसको 10 जगह पे कनेक्ट नहीं कर रहे, राइट? वो आप उसको कोल्ड वॉलेट तो नहीं बोल सकते बट ऑलमोस्ट कोल्ड वॉलेट बोल सकते हो, बॉम वॉलेट बोल सकते हो, बिकॉज वहाँ पे वो अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं हो रहा, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, एयर ड्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट, NFT का कॉन्ट्रैक्ट, उस सब से आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो एक मलिशियस कॉन्ट्रैक्ट से टच में आने का जो आपका चांस है वो कम हो जाता है। सो ऑटोमेटिकली इट मेक्स इट मच मोर सेफर। यहाँ पे कोल्ड वॉलेट्स का फायदा ये होता है कि कोल्ड वॉलेट्स में जो भी कर लो, जब अगर उस एड्रेस से ट्रांजैक्शन होनी है ना तो आपको उस फिजिकल डिवाइस पे बटन दबाना पड़ता है, आप सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते। सो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डायनेमिक बना देता है व्हेन इट कम्स टू कोल्ड वॉलेट का सिचुएशन, बट ऑल इन ऑल इट इज़ गोइंग टू बी सेफर। मैं पर्सनली ऐसा करता हूँ एंड आई थिंक उस दिन हमारे अभी एक ग्रोथ फ्रेंड्स पॉडकास्ट है जो, उसके एपिसोड में भी मुझे बताया कि शायद CZ भी ऐसा करता है, वो क्या करता है ट्रस्ट वॉलेट रखता है और ट्रस्ट वॉलेट के लिए अलग फ़ोन रखा हुआ है, वो फ़ोन बंद होता है। तो मैं बेसिकली ऐसा ही करता हूँ, सीड फ्रेज अलग रख लिया और वो वाले फ़ोन को ऑफ करके रखा हुआ है एंड मैं उससे किसी भी जगह पे इंटरेक्ट नहीं करता, किसी भी जगह पे ट्रेड नहीं करता उस वॉलेट से, सो दैट कीप्स इट रिलेटिवली सेफर देन अगर मैं एक रनिंग फ़ोन जो मैं डेली चला रहा हूँ फ़ोन या डेली जगह जगह पे कनेक्ट कर रहा हूँ उस तरह के फ़ोन में रखता। तो दैट्स इट गाइज, होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, एक्चुअली काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आने वाले वीक में मैं एक और जो है Q&A सेशन बनाने की कोशिश करूँगा एंड उसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस और भी लेने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स अ लॉट एवरीबडी जिन्होंने क्वेश्चंस भेजे। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज बाय एंड टेक केयर।